मुस्लिम देशों की लामबंदी पर ये चारों एक्सपर्ट्स एक सुझाव दे रहे हैं वारिस जी आपको, और वो सवाल ये है कि किसी के फायदे की नहीं है। कई मुस्लिम देश ऐसे हैं जो इन फाइटिंग की वजह से ही परेशान है। ऐसे में ये और आग भड़काना धार्मिक आधार पर सबका नुकसान करेगा। ऐसे में सबको ये सोचना होगा कि बंधकों की रिहाई के इर्द गिर्द एक मॉरल दबाव इसराइल पर बनाया जाए ताकि युद्ध विराम हो। उसके लिए तो बोलिए। तो वो बोल ही रहे ना कि जी अंजना जी बोल ही रहे ना कि जो बंधक है, अगर हमास ने किसी बंधक को पकड़ के रखा है, महिलाएं, बच्चों, बुजुर्गों को, तो वो उनको छोड़ दे। और जो वेस्ट बैंक से इन्होंने उठा के लिया है, इसराइलों ने जो बंधक बना के रखा है महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, उनको छोड़ दे, एक्सचेंज होगा। उसके बाद में जो ओस्लो ट्रीटी, जो ओस्लो एकॉर्ड था, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, जो 1993 में साइन किया था। उस हिसाब से फिलिस्तीनियों को उनका एक कंट्री दे देना चाहिए, क्योंकि अभी भी इसराइल ऑक्यूपायर है ना, उसने तो जबरन घुसा हुआ है वहां पे। बात नंबर तीन, सऊदी अरब ने कहा कि जो 1967 का बॉर्डर रिकॉर्ड है, उस हिसाब से इसराइल को काम करना चाहिए। तो बॉर्डर रिकॉर्ड के हिसाब से क्यों नहीं करता वो? तो किसी की सुनने को तैयार नहीं इसराइल, यूनाइटेड नेशन की बात सुनने को तैयार नहीं इसराइल। मैं ये मान रही हूँ, जो मैं आपकी बात से समझ रही हूँ, ठीक है, एक सेकंड, आप भी चाहते हैं कि शांतिपूर्ण अंत हो, बंधकों को दोनों तरफ से छोड़ा जाए, और आप भी अर्दवान की निंदा कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि मुस्लिमों का नरसंहार हो रहा है, क्योंकि नेतन्याहू रोते हैं कि यहूदियों का नरसंहार हो रहा है, वैसे ही धार्मिक क्रम देने की कोशिश अर्दवान कर रहे हैं। आप निंदा कर रहे हो, नहीं कर रहे? नहीं नहीं नहीं, एर्दोगान ने जो कहा, उन्होंने कहा कि मुसलमानों का नरसंहार हो रहा है वहां पे, और हो रहा है नरसंहार। सोचिए ना आप, अरे सोचिए, वहां पे 99% तो मुसलमान ही रह रहे हैं ना, उनका तो नरसंहार हो रहा है। जो बच्चे मरे जा रहे हैं, फिलिस्तीनियों को जिनको मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, वो तो वही करा जा रहा है। हाँ, लेकिन क्रिश्चियनों के चर्च के ऊपर भी बॉम्बिंग कर दिया, उनको भी मार दिया 17 लोगों को। यूनाइटेड नेशन के जो लोग वहां पे गए थे काम करने के लिए एड लेके, उनको मार दिया। अरे जो अल जजीरा का रिपोर्टर था, जर्नलिस्ट, उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। जो दो दिन पहले पीस की बात कर रहे थे बच्चे, उनके परिवार को खत्म कर दिया स्ट्राइक करके इसराइल ने। तो पूरा वर्ल्ड देख रहा है। 7 अक्टूबर को जो लोग इसराइल के मारे गए, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ी आपने, उनका प्रोफाइल पढ़ा है आपने, उन परिवारों पर बात करने को तैयार हैं आप? अभी भी जो बंधक बने हुए हैं उसमें बच्चे शामिल हैं, इसके एक दूध पीते बच्चे शामिल हैं, जो जानकारी वहां से आ रही है, मैं वही बता रही हूं। 7 अक्टूबर के ऊपर टर्की जो प्रेसिडेंट से पूछो, 7 अक्टूबर तुर्की के राष्ट्रपति से, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनो, भाई टर्की के प्रेसिडेंट से पूछो कि उन्होंने जो सीरिया में लोग जो जितने रिफ्यूजीज थे, उन्होंने जो रिफ्यूजीज पहले निकले हैं पैलेस्टाइन से, उन्होंने कितनों को शह दी है, उन्होंने कितनों को एड दी है, उन्होंने कितनों की मदद की है रीसेटलमेंट में? भाई यूरोप ने ये तो कष्ट उठाया है ना, सीरिया, एक मिनट, एक भाई, यूरोप ने ये तो कष्ट उठाया ना, जर्मनी ने कष्ट उठाया यार, बेल्जियम ने कष्ट उठाया, छोटी सी मुल्क है। आप ऑस्ट्रिया में जाके देखिए, आप जाइए देखिए, और आप टर्की में जाके देखिए, वो टर्की में तो घुसने भी नहीं देता, आपको पता है टर्की में घुसने भी नहीं देते बॉर्डर गार्ड, बिल्कुल। आप ऐसे किसी ऐसे आदमी की मदद लो यार, जो उसके बारे में बोलो, हक में बोलो, भलाई चाहते हैं। टर्की में किसी ने कभी नहीं, यूरोप ने, वेस्ट ने एड दिए भाई, यूरोपियन कंट्रीज से जो ज्यूज छोड़ छोड़ के आए इसराइल में, उनको यूरोपियन कंट्री वापस क्यों नहीं लेता? विनाश काले हमास बुद्धि, समझे, विनाश काले हमास बुद्धि, ये प्रवृत्ति छोड़िए। लोगों को धर्म के आधार पर उकसाने वाली प्रवृत्ति कहीं किसी को नहीं ले जाती है। शहजाद जी, सिर्फ 2 लाइन का कमेंट जल्दी से। देखिए, अभी वारिस ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस ने हमास को आतंकी बोला है क्या? तो यूनाइटेड नेशंस ने हिंदू टेरर भी नहीं बोला, ये तो कुर्ते फाड़ के हिंदू टेरर बोलते, यूनाइटेड नेशंस ने हिंदू टेरर बोला है क्या? और हमास के पक्ष में बोल रहे हैं, और जाते जाते बोल रहे हैं कि पैलेस्टाइन की लैंड ऑक्यूपाइड है, इसलिए उनका अधिकार है ये सब करना। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, भाई कश्मीरी हिंदू एक समय पर कश्मीर बाहुल था, कश्मीरी हिंदू बाहुल था कश्मीर, कौन उनको हटा रहा है 7 जेनोसाइड करके, इस्लामिक जिहाद करके? उसको कंडेम कीजिए, आप ऑक्यूपेशन के खिलाफ है ना, तो ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर किसने किया है भाई, बताइए एक बार, उस पर आपका स्टैंड बदल जाएगा। और तीसरी और आखिरी बात, देखिए मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ, देखिए हमास ने टारगेटिंग करके सिविलियंस को मारा, बंधक बनाया, नेपाली और थाईलैंड के लोगों को भी मारा, और दूसरी ओर इसराइल है जिसने आतंकी हमला का जवाब देते हुए अब उसको बमबारी कर रहा है और वार्निंग देकर कर रहा है, तो आप दोनों को एक पटल पर कैसे खड़े कर सकते हैं? मेरा सवाल ये है कि क्या वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था तो क्या नाजी के ऊपर बॉम्ब गिर रहे थे, जर्मनी के ऊपर बॉम्ब गिरा रहे थे नाजी को मारने के लिए, उसमें सिविलियन मारे गए, तो क्या एलाइज ने वॉर क्राइम किया क्या उस समय पर? तो तर्क अलग है ना, वॉर क्राइम थोड़ी मानते हैं जो एलाइज ने किया।
दो बातें, छोटी बातें कहना चाहूंगा इसमें। एक तो जो हम देख रहे हैं, जो तुर्की बोल रहा है हमास एक आतंकी संगठन नहीं है, हमास एक मुजाहिदीन है, वो गॉड्स आर्मी है, वो लिबरेशन ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और एक जो ईरान कह रहा है जो इसको हमको हमला करना चाहिए अमेरिका के ऊपर, देखिए ये दोनों देश हैं, ये मुस्लिम उम्मा के लीडरशिप के लिए लड़ाई कर रहे हैं, इसीलिए वो ये इतना बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। अदरवाइज उनको अपना कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, जो फिलिस्तीन के साथ उनको बहुत लगाव है या कुछ ऐसा प्रेम मोहब्बत है, कुछ ऐसा कोई बात नहीं है। दे वॉन्ट लीडरशिप ऑफ मुस्लिम उम्मा, जो कि अब सऊदी अरेबिया के साधारण सी बात आपको क्यों नहीं समझ में आ रही है बारिश जी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए वो जो हमास के पीछे जा रहे हैं इजराइल, तो ये उनके लिए एक अरे बारिश साहब सुन लीजिएगा, ये इजराइल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, उनके अस्तित्व का मामला है। अगर वो हमास को रहने देंगे ऐसे ही, तो ऐसे हमले उनके ऊपर बार बार होते रहेंगे, और इसीलिए उनके लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ एक क्लाइंट, सिर्फ एक क्लाइंट बारिश जी, सिर्फ एक क्लाइंट। मैं एग्जांपल दे रहा हूं सर, दस एग्जांपल। देखिए अंजना जी, जब हिंदुस्तान के ऊपर ब्रिटिशरों ने राज करना शुरू कर दिया था, गुलाम बनाना चालू कर दिया था, उस वक्त हमारा भारत महान देश भी लड़ा ब्रिटिशरों से, सब एक साथ खड़े हो गए, उनको मारे, काफी लोगों की हमारी जानें चले गई, शहीद हो गए, लेकिन हम आजाद कर लिए। जब हमने बकाया था ब्रिटिशरों को, हिंदुस्तान ने जिस तरह से हराया था ब्रिटिशरों को, भगाया था, इसी तरह फिलिस्तीन हराएगा इसराइल चोर लुटेरे को। देखो सर, बीच में बोलने का, बीच में बोलते क्यों आप? आप बोलने दो ना मेरे को, मेरे बीच में टन आता है, बीच में क्यों बोलते हो सर? मैं ड्यू रिस्पेक्ट के साथ आपको बोल रहा हूँ, आप स्टूडियो में बैठे हो, मैं बाहर बैठा हूँ, सुनिए मेरी बात को ना, सीरियस मैटर पे बात कर रहा हूँ सर मैं आपसे, छोटा उम्र में मैं आपसे, जरा सुनिए मेरी बात को, जल्दी पूरी कीजिए। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, हिंदुस्तान भी लड़ा था ब्रिटिशरों से जंगे आजादी, काफी लोग शहीद हुए, जाने चले गए हमने, और लड़े हम ब्रिटिशरों की गुलामी से, आजाद हुआ हमारा देश, हमने ब्रिटिशरों को भगाया, और जिस तरह हमने भड़काया था ब्रिटिशर गोरों को, उसी तरह हिमाकत कर रहे हैं कि आप हमास की तुलना, हमास की तुलना आप भारत की आजादी की जंग से कर रहे हैं, ये शर्मनाक है बारिश जी। मुझे लगता है आपको इससे बचना चाहिए, बहुत खतरनाक बात आप कर रहे हैं, प्लीज समझिए इसको। शहजाद सिर्फ एक लाइन, टाइम खत्म हो चुका है, सिर्फ एक लाइन। नहीं देखिए जिनको याकूब मेमन और अफजल गुरु में बेचारा और हालात का मारा दिखता है, उनको आज भारत के स्वतंत्रता सेनानी दिख रहे हैं हमास में, यही इनकी सोच है, पैलेस्टाइन बहाना है, हमास बचाना है। देखिए सवाल ये है कि शांति की गुंजाइश खत्म नहीं होनी चाहिए, और ये भी तय होना चाहिए कि इजराइल कहां तक, कितने दिन तक, कितनों को मारकर ये कहेगा कि हमने हमास का बदला ले लिया। ये एक सच्चाई है, युद्ध विराम की तरफ कोशिशें होनी चाहिए, प्रबल तरीके से होनी चाहिए, और पहचानना चाहिए उन चेहरों को, उन देशों को जो इस जंग को जारी रखना चाहते हैं और उकसाना चाहते हैं।